इस बार iMac में तीन वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 119,900 गोइंग अप टू 159,900। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। 119,900 जो बेस वेरिएंट है, 24 इंच 4.5K रेटिना डिस्प्ले। मतलब इस बार क्या किया इन्होंने, iMac के अंदर M1 चिप इंस्टॉल कर दी है। M1 चिप लास्ट ईयर हमने MacBook Air और MacBook Pro 13 इंच में देखी थी, और इस बार दे पुट इट इनटू द न्यू iMac। द नया जो iMac है ना, इसको इन्होंने कम्प्लीटली रीडिजाइन कर दिया और सब पूरे जो पार्ट्स है ना उनको यूनिफाई करके नीचे वाले एक बेजल में डाल दिया है, या नीचे अगर आप बोलो एक चिन में डाल दिया है, और बहुत सारे नए नए कलर्स ले आए हैं इस बार। The striking or the good part about the new iMac 2021 is it's ultra thin, मतलब 11 millimeters thin है। वो इतना ज़्यादा thin है कि अगर आप वो जो jack होता है ना earphones का jack, अगर आप jack देखो तो ये jack भी 14 millimeters long होता है। तो ये jack भी आप directly नहीं लगा सकते, इसको लगाने के लिए भी उन्होंने side में जगह दी है। It's so thin। उसमें है 8 core CPU, 7 core GPU, 24 इंच 4.5K रेटिना डिस्प्ले। अब डिस्प्ले ठीक है, आई थिंक डेस्कटॉप यूजर्स को ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, तो इन्होंने डिस्प्ले थोड़ा सा एवरेज रखा है मेरे हिसाब से, विच इज ओके लुकिंग एट द प्राइस पॉइंट। जो स्टोरेज है वो है 256 GB, बहुत टाइट स्टोरेज है, लेकिन हाँ अब ये प्राइस पॉइंट है, इस प्राइस पॉइंट पे आपको 256 GB की स्टोरेज मिलती है। आपको दो थंडरबोल्ट पोर्ट्स या USB4 जो बोलते हैं थंडरबोल्ट, वो दो ही पोर्ट है जो बेस मॉडल है। अगर आप ऊपर जाओ 139,900 का जो मॉडल है उसमें है 8 core CPU, 8 core GPU, 24 इंच 4.5K रेटिना डिस्प्ले, इसमें भी डिस्प्ले स्टैंडर्ड है। जो एडिशनल फीचर्स है बेस मॉडल और मिड मॉडल में, यू गेट टू USB 3 पोर्ट्स विच इज गुड, इथरनेट कनेक्शन। इस बार के iMac में इन्होंने क्या किया है ना, जो पावर ब्रिक है वो पावर ब्रिक में इन्होंने इथरनेट का कनेक्शन लगा दिया, तो आपको आप वायर खींच के ऑल द वे ऊपर लाने की जरूरत नहीं है टू योर iMac, यू कैन स्ट्रेट प्लग इट इन, आपका जो जो पावर केबल होगी उसमें प्लग इन हो जाएगा। और पावर केबल इस बार मैग्नेटिक है और कलर कोडेड है, जिस कलर का आपका आप iMac लेते हो उसी कलर की आपको ब्रीडेड पावर केबल मिलती है, जो मैग्नेटिकली आपके iMac में अटैच हो जाती है। इस वाले मॉडल के साथ जो मैजिक कीबोर्ड आता है उसमें आपको फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर गिविंग फिंगरप्रिंट, जो मेरे लैपटॉप में है, जो मैं लैपटॉप भी यूज कर रहा हूँ और बाकी सब डिवाइसेस में जनरली आ रहा है। इस बार के iMac में दे ऑल्सो एडेड द थंबप्रिंट विच इज वेरी नाइस, एंड द इंक्रिप्शन बिकॉज इज गेटिंग वायरलेसली ट्रांसफर, तो जो इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड है वो एप्पल ऑलवेज प्राइवेसी में नंबर वन है, और दे मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट कि वो प्राइवेसी को ध्यान में रख के उन्होंने वो कीबोर्ड भी डिजाइन किया है। जो बेस मॉडल है उसमें जो मैजिक कीबोर्ड आता है उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, लेकिन जो मिड मॉडल है उसमें जो मैजिक कीबोर्ड आता है उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है, एंड इट्स ऑल कलर कोडेड। जो मैजिक माउस भी आता है इवन दैट इज कलर कोडेड। अब अगर मिड मॉडल और टॉप मॉडल में जाए तो मेन जो सबसे बड़ा फर्क है वो खाली स्पेस का है। मिड मॉडल इज 256 GB, वाइल द टॉप स्पेक जो 159,900 मतलब 160,000 का जो मॉडल है उसमें आपको 512 GB की स्टोरेज मिल रही है। अभी अब अगर आप देखो तो 140,000 और 160,000, 20,000 रुपए का जो फर्क है ना वो मेनली खाली स्टोरेज का, क्योंकि बाकी और सारे स्पेसिफिकेशंस सेम है। जो फ्रंट कैमरा है दैट इज 1080p, बिकॉज अभी आजकल लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, फेस टाइम कॉल्स कर रहे हैं, तो द फ्रंट फेसिंग कैमरा हैज टू बी गुड, सो दैट इज वाई दे पुट अ 1080p कैमरा। इट्स ओके, बहुत एक्सपेक्टेड था लेकिन ठीक है, थम्स अप फॉर दैट। जो स्पीकर सिस्टम है दैट इज अ 6 speaker system, इनबिल्ट बेस बूफर्स है, और जब आपका iMac खड़ा रहता है तो साउंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द टेबल और द साउंड दैट कम्स टू यू इज, पहले इन्होंने MacBook Pro 16 इंच लॉन्च किया था उसमें दे हैड इंक्लूडेड अ 6 speaker array सिस्टम विच वॉज वेरी गुड। मतलब मैं बोलूँगा कि मेरे पास ये स्पीकर है और स्पीकर के लेवल का ही है, ऑलमोस्ट उतना नहीं है, लेकिन इट्स एज कम्पेयर टू अ लैपटॉप इज वेरी गुड। एंड दिस टाइम इन द iMac उन्होंने वही फीचर्स उसमें भी ऐड कर दिए, सो देर आर लॉट ऑफ कलर्स दैट कम। जो बेस मॉडल है उसमें खाली 4 color आते हैं, लेकिन जो मिड मॉडल और जो टॉप मॉडल है उसमें 7 color आते हैं, मतलब 7 color की कॉम्बिनेशन आते हैं। पीछे का कलर डार्क है, सामने के लाइट कलर है। जो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी वो है जो नीचे में इन्होंने इतनी बड़ी चिन डाल दी है ना, जहाँ पे इन्होंने सब अपना वो पूरा यूनिफाइड मेमोरी M1 चिप फैंस जहाँ पे इंस्टॉल करे हैं, जो मदरबोर्ड लगाए हैं, जो फैंस लगे हैं, वो नीचे में इन्होंने इतना बड़ा एक चिन टाइप का बेजल डाल दिया है विच इज नॉट टू मच ऑफ 2021। समझ रहे, 2021 में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बेजल्स नहीं होंगे, खाली स्क्रीन होगी, वो ज़्यादा कूल लगता, बट वही एक चीज़ है जो मेरे को डिज़ाइन वाइज समझ नहीं आई। और जो कलर्स है वो मेनली पीछे की तरफ द कलर्स आर वेरी ब्राइट, सामने की तरफ से अगर आप देखो तो उनका शेड है कि अगर पीछे की तरफ डार्क रेड है तो
तो जो उसका स्टैंड है और जो सामने का जो चिन है वो दैट इज अ लिटिल लाइटर इन कलर सो दैट इट मैचेस. तो अगर आप सामने से देखोगे तो आपको डार्क वर्जन दिखेगा ही नहीं. इट्स जनरली वो पीपल हु आर व्यूइंग फ्रॉम बिहाइंड. अगर आप ऑफिस सेटिंग में हो और अगर आपके मैक्स ऐसे पड़े हैं तो पीछे से देखने में वो बहुत कूल लगेंगे. और अभी बहुत सारे ऐप्स भी है जो M1 कंपैटिबल हो चुके हैं. तो जनरली जो लोग ऐप्स यूज करते हैं फोटोशॉप प्रीमियर वगैरह ये सारा अब आस्ते आस्ते करके कंपैटिबल हो रहे हैं. एंड आई थिंक ओवर दिस ईयर मोस्ट ऑफ द ऐप्स विल बी कंपैटिबल विद द न्यू मैक ओएस बिग सर एंड द M1 मैक. ये था मेरा पहला इंप्रेशन ऑफ द न्यू iMac 2021. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ यू आर इंटरेस्टेड. अगर आपको अच्छा लगे और क्या आप खरीदना चाहोगे iMac घर के लिए. माई नेम इज विकी. थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइस अगेन सून इन द नेक्स्ट वीडियो.